यार ये केस सरकार बनाने का दूसरा दावा पेश हो चुका है। राज्यपाल से येदुरप्पा मुलाकात कर चुके हैं, यानी सिर्फ कांग्रेस की तरफ से दावा पेश नहीं हुआ है बल्कि बीजेपी की तरफ से भी राज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है। सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है। आपको बता दें कि जिस तरीके के नतीजे और रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर है, लेकिन खबरों के मुताबिक कांग्रेस और जेडीएस साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं और दावा बीजेपी और कांग्रेस और जेडीएस ने अपना अपना पेश कर दिया है राज्यपाल के सामने। अनुराग, ऐसा क्यों ना करें कि हम जो तमाम सिनेरियो निकल कर आ रहे हैं, आप जरा हमें बताएं उसको बारको वॉल पे कि किस तरीके से ये तमाम सिनेरियो निकल कर आ रहे हैं और किस तरह से क्षेत्रवार स्थिति भी निकल कर सामने आ रही है। तो जी बिल्कुल, तो क्षेत्रवार किस तरीके की स्थिति है समझे, ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप ठीक करें अजय जी। और जो 222 विधानसभा सीट है कर्नाटक की जहां पर वोटिंग हुई है, दो सीट ऐसी हैं जहां पर इस बार वोटिंग नहीं हुई है, जिन पर बाद में मतदान होगा। और जो अभी तक के आंकड़े हैं, रुझान है, वो ये कह रहे हैं कि 222 में से बीजेपी 104 सीट पर बढ़त बनाए हुए है या जीत मिल रही है। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर है 78 सीटों के साथ, जेडीएस 38 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर, अन्य का खाता सिर्फ दो सीट के साथ है। लेकिन राज्यवार जिसका आपने जिक्र किया, क्षेत्रवार जिसका आपने जिक्र किया, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये छह प्रमुख क्षेत्र हैं कर्नाटक के। बेंगलुरु क्षेत्र की शुरुआत करते हैं सबसे पहले, और बेंगलुरु क्षेत्र की जो तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं कि देखिए 34 कुल सीट हैं बेंगलुरु क्षेत्र में, जिसमें से बीजेपी ने 11 सीटों पर बढ़त बनाई है, वहीं कांग्रेस 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और जेडीएस के खाते में भी 7 सीटें गई हैं। दूसरी तरफ अगर हम कोस्टल कर्नाटक की बात करते हैं बेंगलुरु क्षेत्र के अलावा, तो कोस्टल कर्नाटक की क्या तस्वीर उभरी है, 21 कुल सीट हैं जिसमें से बीजेपी के खाते में 18 सीटें जाती दिख रही हैं, कांग्रेस सिर्फ 3 सीट पर सिमट गई है कोस्टल कर्नाटक में, जेडीएस का खाता ही नहीं खुला है और अन्य के खाते में भी कोई एक सीट नहीं गई है। अगर हम साउथ कर्नाटक की तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं, तो साउथ कर्नाटक में सीट ज्यादा है विधानसभा की, कुल 51 सीट्स हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी को सिर्फ 9 सीट्स मिली हैं, जबकि कांग्रेस को अगर हम देखें तो वो 16 सीट्स, और जैसा ही लगातार कहा जा रहा था कि जेडीएस के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि वाला क्षेत्र हो सकता है, 25 सीट, 51 में से 25 सीट्स मिली हैं साउथ कर्नाटक में जेडीएस को, अन्य के खाते में सिर्फ एक सीट जा रही है। वहीं मुंबई कर्नाटक की अगर हम बात करें और वहाँ की किस तरीके की तस्वीर है ये समझाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर 50 सीट आती हैं इस मुंबई कर्नाटक के क्षेत्र में, जिसमें से 50 में से 31 सीट्स विधानसभा की बीजेपी के खाते में जा रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 16 सीट्स जा रही हैं और जेडीएस को 2 सीट पर समझौता करना पड़ रहा है, अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट है। इसके अलावा अगर हम सेंट्रल कर्नाटक की बात करते हैं, और सेंट्रल कर्नाटक में केवल 35 सीट्स हैं और 35 सीट्स के जो रुझान हैं वो लगातार बता रहे हैं कि इसमें बड़ी हिस्सेदारी, बड़ी भागीदारी बीजेपी की है। 35 में से 24 सीट्स पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, कांग्रेस 11 सीट्स पर है, आधे नंबर पर है, जेडीएस का खाता ही नहीं खुला है सेंट्रल कर्नाटक में और अन्य का भी खाता नहीं खुला है। और जो कर्नाटक का जो छठा क्षेत्र है हैदराबाद कर्नाटक, उसकी किस तरीके की तस्वीर उभरती है ये भी हम आपको दिखाते हैं। हैदराबाद कर्नाटक में कुल 31 विधानसभा सीट है, 31 में से 12 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में गई हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 15 सीट्स गई हैं, जेडीएस को सिर्फ यहां पर 4 सीट मिली हैं और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं गई है। तो जो कर्नाटक का कुरुक्षेत्र है वो कुछ इस तरीके का है, क्षेत्रवार हमने बताया अजय जी, और यहां पर 104 इस हिसाब से बीजेपी को, लेकिन सत्ता का घमासान कांग्रेस और जेडीएस के बीच में लगातार जारी है। बिल्कुल, तो अंक गणित सामने है आपके, अब जाहिर से बात है इस पर चर्चा शुरू करते हैं। चरण चूक जी भारतीय जनता पार्टी से, अभय दुबे जी कांग्रेस से, और तनवीर अहमद जेडीएस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार उमलेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। शुरुआत में अगर करूं अभय दुबे जी आपसे, ऐसा बताया जा रहा है कि 7 आपके ऐसे विधायक हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि HD कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री अगर बनाया जाता है तो लिंगायत समुदाय के साथ ये अन्याय होगा और ऐसे में वो शायद आपकी पार्टी के साथ जुटकर वोट न दें अगर वोट देने की स्थिति सामने आती है। क्या ये खबरें सही हैं, और अगर सही हैं तो इसे आप बचाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित दुष्प्रचार मात्र है, ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं है, चूंकि बीजेपी हर संभव कोशिश करती है। आप देखिए क्या किया गोवा में उन्होंने, और आज क्या बात करते हैं। जब गोवा का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाने का हमारा क्लेम था तो अरुण जेटली साहब कहते थे कि नहीं, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, वो लार्जेस्ट कोलेशन को बुलाना चाहिए, वो चाहे पोस्ट पोल अलायंस क्यों ना हो। मगर आज ये बात कर रही भारतीय जनता पार्टी कि वो सिंगल लार्जेस्ट है इसलिए उनको बुलाना चाहिए, और ये बहुत सारी थ्योरियां वो फ्लोट करने वाले हैं अभी, ताकि ये कोशिश की जाए कि यहाँ से हम दोनों का जो
कलेक्टिव एफर्ट्स हैं उसको कैसे भी डेंट करें। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि पूरी तरीके से राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है जी, भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा नहीं। तो अभय दुबे जी, आपको लग रहा है कि आपका गठजोड़ जो है वो जरा कमजोर पड़ सकता है और इसमें तीसरा व्यक्ति कुछ इसमें गड़बड़ झाला कर सकता है, क्या इसकी संभावनाएं हैं? क्योंकि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स 1984 से कर्नाटक में चल रही है और आप लोग सभी पार्टियां इसमें माहिर हैं। देखिए आप गोवा का अगर उदाहरण लें तो गवर्नर का स्टेटमेंट क्या दर्शाता है? वो गवर्नर कह रहे थे उस समय कि हमने फाइनेंस मिनिस्टर से राय ली और उस राय के आधार पर मतलब वो गवर्नर की अपेक्षा एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह उम्मीद नहीं थी। क्या चलिए वहां पर हम अभी गवर्नर के विवेक पर अभी चर्चा नहीं कर पा रहे, लेकिन जो खबर थी वो मैंने आपसे समझने की कोशिश की। तनवीर अहमद जी, क्या आपकी पार्टी पर भी अब इस तरह का जोर पड़ सकता है जो अभी अभय दुबे जी जो आशंका जता रहे हैं? क्या आपके विधायकों पर भी भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल सकती है? क्या इसके लिए आप तैयार हैं? तनवीर अहमद जी, आप हैं हमारे साथ? ऐसा लगता है कि अभी हमारे साथ नहीं, तकनीकी दिक्कत है, तुरंत वापस आते हैं। लेकिन इस बीच तरुण जी, भारतीय जनता पार्टी जो करे वो सदाचार, दूसरे करे तो दुराचार, ऐसा कैसे संभव है साहब? जो आपके लिए गोवा में सही था वो ठीक, कर्नाटक आते वो विपरीत, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, ऐसा है, दुबे जी को शायद पता नहीं है कि कांग्रेस ने वहां गवर्नर के पास सरकार बनाने का दावा ही नहीं पेश किया और जिस पार्टी ने और जिस गठबंधन ने दावा पेश किया उसी को गवर्नर ने बुलाया, क्योंकि कांग्रेस सोच विचार में पड़ गई हमें दावा पेश करना है कि नहीं पेश करना है। और अब अपनी गलती का ठीकरा बड़ी बड़ी बातें कर गोवा में गोवा में गवर्नर ने अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया। अरे भाई साहब, आप इस युग में कलयुग, इस युग में आप सतयुग की बात कर रहे हैं आपने? अरे भाई साहब, आपने ये टीवी चैनल सोशल मीडिया क्या बात किसी के ऊपर बताया कि आप मुझे बताया नहीं? अच्छा चलिए, आप गए ही नहीं, आपने एक मतता नहीं एक प्रश्न का जवाब भी बनाया जाए भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल? अभी आपने नैतिकता कांग्रेस के मुझे अच्छी नहीं लगती, आवेदन देना होता है कौन से आर्टिकल के संविधान के अंदर? आप बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल। अरे भाई साहब, हर ये आर्टिकल 164 हो या पार्टी हो उसका कौन नेता होगा? और नेता जाके वहां अपना पक्ष रखेगा सरकार बनाने के लिए? एप्लीकेशन नहीं देना होती गवर्नर को। अच्छा तरुण जी, गवर्नर के पास मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में मुझे भी बोलने की अनुमति दे रहे हैं आप दोनों। तरुण जी, ये बताइए कि गोवा के पहले वाकई में ये परिपाटी किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि सबसे बड़ी पार्टी को बुलाने का अधिकार राज्यपाल का होता है, लेकिन जाकर अपना अधिकार क्लेम करना पड़ता है, ये गोवा में समझ में आया। अब जबकि ये अधिकार सामने आ चुका है और अब जबकि कांग्रेस और जेडीएस मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो फिर आपको तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, क्यों हो रही है भाई साहब? मैं आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, हर पार्टी को अपना नेता चुनना और उस नेता के माध्यम से सरकार बनाने का दावा करना जी। सरकार हमेशा सीधा रमैया की, कांग्रेस की सरकार, यदुरप्पा जी की भाजपा की सरकार, इस नाते सरकार को आमंत्रण मिलता है और गवर्नर के पास जाके आपको अपना गणित चलिए तो यहाँ चीजें बतानी होती है। यहाँ पर तो यहाँ कांग्रेस फेल रही और वहाँ वो गवर्नर के पास ही नहीं जा सकी। नहीं, हम गोवा की बात आज क्यों कर रहे हैं? हम तो कर्नाटक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों ने अपना आवेदन दिया है, अभी तक तो ये बात स्पष्ट हो गई कि गोवा की बात जाकर अपना क्लेम सामने रख दिया। मैंने नहीं छेड़ी तरुण जी, मैंने गोवा की बात नहीं छेड़ी, इन्होंने छेड़ी। अब छोड़ दीजिए ना, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, वो तो बीती बात गई। आप आज की बात कीजिए, आज दोनों राजनीतिक पक्षों ने क्या किया? तरुण जी, बड़ी पार्टी है उसको बुलाना चाहिए। तरुण जी, आज दोनों राजनीतिक पक्षों ने अपना अपना दावा पेश कर दिया है, दोनों दलों ने पेश कर दिया है, एक के पास पूर्ण बहुमत है, एक के पास बहुमत पूरा नहीं है। अब आप बताइए क्या होना चाहिए, सदाचार क्या कहता है? ऐसा है, लार्जेस्ट जो पार्टी है उसको पहले सरकार बनाने के लिए राज्यपाल जी को बुलाना चाहिए, इसके सैकड़ों उदाहरण हैं, और उसके बाद
अगर वो दावा वो बनाने के लिए आगे आते हैं ठीक है, नहीं तो फिर सेकंड को होता है। यही सिस्टम है, इसी सिस्टम से सभी चीजें आज तक होती रही। ये सिस्टम अचानक आपको अभी याद आ रहा है उर्मिलेश जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज लार्जेस्ट पार्टी के बुलाए जाने की बात, अभी 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 भाई साहब ने कहा आप कर्नाटका में रहिए, आप आपको आपको ये सोचना चाहिए कि आप अगर 78 सीटें जीत के आए हैं ना जी। हेलो भाई साहब, अब हमें भी बोलने दीजिए। उर्मिलेश जी की बात जरा सुन लीजिए, तरुण जी जरा उर्मिलेश जी की बात सुन लीजिए। 40 सीटों पर जनता दल के सामने उम्मीद है, तरुण जी आपकी उम्मीद है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आपको सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन ये तो राज्यपाल के विवेक पर है कि वो सबसे बड़ी पार्टी को बुलाते हैं या सबसे बड़े गठबंधन को सामने बनाते हैं। जो भी ज्यादा स्थिर सरकार दे सके उसे राज्यपाल आमंत्रित कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए, यही वैधानिक है ना जी। हाँ, परंपरा भी यही है, परंपरा भी यही है। तो जाहिर सी बात है आज जो स्थिति है उसमें आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, पूर्ण बहुमत जेडीएस और कांग्रेस के पास है, ये बात तो सच है ना भाई साहब। आप गवर्नर के फैसले को गवर्नर को करने दीजिए, उनको अपने विवेक पर करने दीजिए। उर्मिलेश जी देखिए, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशनली इनकी बात को मैं चैलेंज नहीं कर सकता या कोई भी नहीं कर सकता। एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ। मैं ये मानता हूं कि आपकी जो कोई भी विधानसभा में अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है तो उसको आमंत्रित, सर मैं बोल लूं, मैं उसको बुलाने का अधिकार राज्यपाल महोदय को है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि ये गोवा में, मणिपुर में, मेघालय में, तमाम राज्यों में इसका पालन क्यों नहीं किया, नंबर एक। नंबर दो, अगर आपकी पार्टी को आमंत्रित भी किया जाए तो बगैर डिफेक्शन, इलीगल डिफेक्शन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्शन के बगैर आप सरकार बनाने के लिए संख्या कहां से जुटाएंगे? आपके पास 104 है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग, नैतिक दृष्टि से अगर आप देखें, संवैधानिक दृष्टि से देखें, तो भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए कि वो सरकार बनाने में सक्षम 104 सीटों के बाद भी नहीं है, इसलिए वो सरकार बनाने से अपने को पीछे खींच ले और जो सरकार बनाने की स्थिति में है एक छोटा जवाब दीजिए, वो अधिकार दे उसको, वो करते। अब आप अपने राज्यपाल को अगर ब्रीफ कर देंगे तो जाहिर है क्योंकि वो वही करेंगे जो केंद्र चाहेगा। तरुण जी आपकी छोटी सी राय, क्योंकि उसके बाद जी मैं, हाँ जी जी, मैं अपने भाई साहब से इतना निवेदन करूंगा जी, मैं इतना ही निवेदन करूंगा, हमें राज्यपाल को बुलाने दीजिए, हम फ्लोर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली ये नहीं अपना संख्या बल दिखाएंगे। चलिए, यानी कि आप अभी भी इसी बात पर लगे हुए हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए आपको बुलाना चाहिए। आप एंटी डिफेक्शन लॉ को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, जेडीएस राइट है जी। चलिए, जेडीएस की भी दो तिहाई तोड़ देंगे, एंटी डिफेक्शन लागू। आप भाई साहब, आप लोकतंत्र का, लोकतंत्र में विधानसभा के अंदर फैसला होना है, किसी चैनल के ऊपर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल विधानसभा में ही फैसला होना चाहिए। बैजू नारायण जी जेडीएस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं जेडीएस के। बैजू नारायण जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से उन्हें ही सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए, क्या आपको लगता है कि यह तर्कसंगत बात है? सर जी, ये जो है साउथ इंडिया कर्नाटक में आप जो जेडीए बीजेपी कर रही है ये नहीं चलने वाली है, ये हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती है कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर नहीं होगा। ये नॉर्थ इंडिया नहीं है सर, साउथ इंडिया है, जो जनता ने वोट किया है ना वो लिटरेसी लेवल ज्यादा है हमारे स्टेट में, पढ़ा लिखा लोग ज्यादा है, इसका जवाब वो लोग खुद अगले इलेक्शन ऐसा लग रहा कुछ तकनीकी दे देंगे जी। तो यानी कि आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खरोद फरोख करेगी और जो येडियुरप्पा तरुण जी लोग खाली वो नाटक कर रहे हैं, एक हफ्ता टाइम मांग रहे हैं और ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं चल रहा। तरुण जी, आप क्यों लोगों को खरीदना चाहते हैं और वो भी पैसे देकर? सर छेड़खानी अजय जी,
जी मैं आ रहा हूँ अभय जी आपके पास। हम बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते, हम फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करेंगे। तो कैसे साबित करेंगे? रॉकेट साइंस नहीं है समझाना, बता दीजिए आप 112 चाहिए आपके पास, 104 है, कहाँ से आप लाएंगे बाकी 8 सीट आप कहाँ से लाएंगे संवैधानिक तरीके से, बता दीजिए ना चुप साहब। बताइए ना 78 कहाँ से लाएंगे, 8 कहाँ से लाएगी बाकी? अरे आप तो बताइए, उनके साथ जेडीएस खड़ी है, आप 8 विधायक कहाँ से लाएंगे चुप साहब, बताइए जरा नैतिकता के आधार पर। मत बनाइए 78 कांग्रेस के पास हैं। अरे आप 78 का सवाल कर रहे हैं, 8 का जवाब तो दीजिए चुप साहब, कहाँ से लाएंगे 8? अच्छा तरुण जी मैंने आप ये सवाल सबसे पहले आपसे पूछा था, आप करें सदाचार दूसरा करें अत्याचार, भाई आप ये क्यों मानते हैं कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही जाके प्रूफ करेंगे? 104 क्या अचानक फ्लोर ऑफ द हाउस पर 112 हो जाएगा? कहां से हो जाएगा भाई साहब? फ्लोर ऑफ द हाउस मेरे को बहुमत लाना है। अभी आप बता रहे थे, आपके चैनल पे बता रहे थे कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जेडीयू को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। मैंने ये नहीं बताया, मैंने कहा ये अफवाह चल रही है भाई। वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये अफवाह उड़ाई है। 78 में से 7 है केवल, एंटी डिफेक्शन लागू होता है उन पर। अच्छा सुनिए भाई तरुण जी, आप तो फंस गए यहाँ। तरुण जी अगर आप 7 विधायक कांग्रेस के तोड़ भी लेते हैं तो आप बताइए आप उनको क्या नैतिकता के आधार पर तोड़ेंगे या पैसे देंगे? कितने में खरीदेंगे? 20-25 करोड़ में एक विधायक खरीदेंगे? नहीं रहेंगे। और अगर वो मेंबर नहीं रहेंगे नहीं भाई साहब, तो आप नहीं तोड़ेंगे तो सरकार बनाएंगे कैसे? सरकार बनाएंगे कैसे ये बताइए तरुण जी। आप तो हाँ मैं बताता हूँ जी। हाँ बताइए, बताता हूँ, बताइए। ऐसा फ्लोर ऑफ द हाउस मेरे को वहाँ बहुमत दिखाना है। अरे कैसे दिखाएंगे? इकट्ठे नहीं रहेंगे, ये इकट्ठे नहीं रहेंगे, फ्लोर पे जाने दीजिए। हाँ। ये हमारी अब ये आप लगातार इस बात को कहते रहेंगे, विपक्ष कहेगा कि देखिए साहब बीजेपी से आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि 2 विधायक हों तो भी वो सरकार बना। आप तार्किक रूप से समझाइए ना चुक साहब, 8 घंटे 104 के 112 कैसे होंगे? आपके पास जवाब नहीं है, ऐसी बात है, बिल्कुल जवाब नहीं है आपके पास, इस बात का जवाब नहीं है। अभय जी सबसे बड़ा सवाल ये है, सुनिए ना जवाब बिल्कुल। तरुण जी इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो भाषा बोल रहे हैं उस भाषा का इस्तेमाल, मैं आपकी याददाश्त तेज कर दूं, आप लोगों ने झारखंड में उस भाषा का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स याद है आपको? आपने अपने विधायकों को किस किस तरह से कहां कहां पर जोड़कर रखा हम सब जानते हैं, इतिहास में सब दर्ज है, भूलिए मत उसे। अभय जी अब सवाल ये उठता है कि आप अपने विधायकों को कैसे बचाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने तो तय कर लिया है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही वो बताएगी कि क्या होना है, चित या हार या जीत। अभय जी देखिए, अजय जी पहली अपेक्षा तो हमारी गवर्नर से यह है कि हम मानते हैं कि ये गवर्नर वो नहीं है जो वजूभाई वाला, जिन्होंने मोदी जी के लिए अपनी सीट खाली की थी, बीजेपी के नेता नहीं है ये, अब राज्यपाल हैं। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि किस प्रकार मोदी सरकार ने उत्तराखंड में अप्रोप्रिएशन बिल हाउस में पास हुआ कि नहीं हुआ ये डिसाइड मोदी जी की कैबिनेट ने किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश किया और ये कहा कि ये कैसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई हाउस जिसको उसका प्रिविलेज है उसमें अप्रोप्रिएशन पास हुआ कि नहीं कैबिनेट में। तो मोदी सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, इसीलिए हम अब ये अपेक्षा करते हैं वो तेलंगाना बिल पर आप पर भी लागू होती है, दिख रहा है जो पोस्ट पोल कोलेशन है जिसके पास जी कहिए आप अपनी बात कहिए। तो यानी आपको आशंका है कि आपको आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी प्रकैन किसी भी तरीके से सरकार बनाएगी? हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ क्षणों के लिए, मुझे क्षमा कर दें आप सब, हम तुरंत वापस आते हैं, चर्चा एक बार फिर शुरू करेंगे। और सिंह साहब हम आपसे समझना चाहेंगे कि अगर इस तरह की यन प्रकैन की सरकार कर्नाटक में बीजेपी बनाती है तो क्या बीजेपी की क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी?